पास आखिरी ऑप्शन ये बचा कि हम लोग वहाँ से एज इट इज़ हमने ट्रक अनलॉक नहीं किया था, यहाँ से लॉक ही था बैक साइड से, हमने ट्रक वापस उठाया और हम लोग निकला यार। अब हम अभी बुलाया हुआ पीछे पूरी एक टीम है जो कि हमारे पीछे लगी हुई है, बाइक से लोग आए हुए हैं लोगों को भाई इतनी शदीद परेशानी है और जो उनके चेहरे पर नजर आ रहा था ना यार, वो कोई इस तरह वाला सीन नहीं है, वो बाकी भूख ही थी उनको इतना करने पे मजबूर कर रही थी। हमें जो है वो कुछ बोट्स भी नज़र आ रही हैं जो रेस्क्यू वाले जो डेप्थ में को लोग बैठे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए उनकी टीम्स आगे जो है वो यहाँ से सामान लेके किसी एक पॉट से और आगे लोगों को वहाँ पे पहुँचा के आ रहे हैं। फिलहाल ये सिचुएशन ना थोड़ा सा आगे जाके मज़ीद आपको गाइड करते हैं। अच्छा तो जी, अब हम राजनपुर में ऑलमोस्ट इंटर हो चुके हैं और ये देख सकते हैं हमारा ट्रक, ये नहीं ये ट्रक नहीं ये ट्रक सलमान साहब। और सलमान साहब क्या सीन है? सीन अभी तो हम लोग अपने बाकी मेट्स का वेट कर रहे हैं, वो लोग कार में थे तो वो लोग राजनपुर का थोड़ा सा सिटी टाइप के अंदर, सिटी है ना, सिटी के अंदर जो है वहाँ पर उन्होंने स्टे किया हुआ था, जैसे वो कार पे थे तो वो सिटी पहुँच गए थे, हम लोग अभी पहुँचे हैं और काइंड ऑफ बाईपास के अंदर वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे जहाँ टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद ही जो है वो यहाँ पे रोड के दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं और पीछे एक जगह पे थोड़ी सी उन्होंने बस्ती भी बनाई हुई है, जिस तरह सारे कैंप्स एक जगह पे लगे हुए हैं और लोग काफ़ी सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये देखें बहुत ही ज़्यादा तबाही हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं पानी और घरों के हालात बहुत खस्ता हो चुके हैं और बिल्कुल ये आबादी है और पानी हर तरफ मौजूद है, जहाँ देख सकते हैं ज़्यादातर इतना रश हमने अब तक नहीं देखा यहाँ जो यहाँ मौजूद है। और ये देखें आप, अगर आप थोड़ा देख सकते हैं रोड के जो हालत हो चुकी है, ये साथ ही और ये देखिएगा हॉर्न मार रहा है वहाँ, ये इधर बहुत से लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी तो शायद इधर बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे हो गए हैं, आप ये देख सकते हैं। इस तरफ इन्होंने रोड के दरमियान में जो है वो छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं ताकि इसको कोई गाड़ी क्रॉस ना करे उस साइड पे, क्योंकि वो जो एजेस हैं वो बिल्कुल नाजुक हुए हुए हैं और अगर उस साइड पे कोई गाड़ी चली जाती है तो वो काफ़ी ख़तरे वाली बात है। ये अगर आप देखें ट्रैक्स काफ़ी विजिबल हैं रोड के ऊपर। अभी रोजगार में हम पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इधर लोग भी मौजूद हैं और ये हमारा टेंट है जो कि इसमें सामान है हमारा, अभी हमें मुश्किल लग रहा है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, हमें थोड़ा सा परेशानी लग रही है क्योंकि अगर हमने जैसे ही खोला बहुत ज़्यादा लोग हैं तो सब टूट रहेंगे, फिर हम सोच रहे हैं कि एक क्योंकि इधर आर्मी भी मौजूद है, आर्मी के पूछने आज हम उनकी मदद लेंगे क्योंकि उनकी मौजूदगी में और कुछ रेस्क्यू वाले भी हैं उनकी मौजूदगी में हम सब लोग ये रिस्ट्रिक्शन करने वाले हैं और इस समय से हमारी मशूर चल रहे हैं तो उसके बाद आगे रिस्ट्रिक्शन करने जो हमारे पास सामान है। अच्छा एक और चीज़ जो यहाँ पे हमें लोगों से पता चली है वो ये है कि वाटर लेवल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अब फिलहाल नीचे गया है और उसमें ये है कि ये रोड के ऊपर भी अगर आप देखें ना कॉर्नर पे तो वाटर लेवल ज़्यादा नीचे हो जाने की वजह से बोट अगर यहाँ पे आगे लेके जाते हैं, लोकल्स अंदर बैठे हुए हैं लेकिन उन तक पहुँचाने के लिए जो है वो फिलहाल रेस्क्यू टीम हमारा साथ ही दे रही है, कह रहे हैं कि हम लोग बोट के थ्रू वहाँ तक नहीं जा सकते और स्नैक्स
जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फिलहाल जो है ना वो रेस्क्यू के हवाले से अंदर अगर वो मूव करते हैं तो उनको पानी में भी उतरना पड़ता है। और उसकी जो स्पेसिफिकली मेडिसिन है स्नेक बाइट की, वो हमें भी नहीं मिल सकी, हम भी नहीं ला सके। और बाकी जो और यहाँ पे मेडिसिन के हवाले से लोगों ने अरेंजमेंट किए हैं तो उसमें वो उसकी काफ़ी कमी है। बट जो लोग आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसका खास ख्याल रखें और मेडिसिन जो है वो अरेंज करके वो लेते हैं। ये अगर आप देखें ना, ये लोकल्स यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है कि विदाउट आर्मी की सपोर्ट के या जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनकी सपोर्ट के अगर लोग यहाँ पे ख़ुद डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोकल्स हैं ना वो अल्लाह ताला माफ़ करे, इस टाइम यहाँ पे इतनी बुरी सिचुएशन है कि वो खाने को दौड़ रहे हैं। तो हम लोग भी फ़िलहाल वो रेस्क्यू टीम से और आर्मी से बात कर रहे हैं कि वो हमारे साथ चल के थोड़ा सा आगे, इससे मज़ीद थोड़ा सा आगे जा के जो कि इस साइड पर है, और हमारे बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो आगे गए हुए हैं थोड़ा सा सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए कि आगे कितनी आबादी है और क्या सिचुएशन है। उसके बाद हम लोग ये जो आर्मी वाले यहाँ पे मौजूद हैं इनकी हेल्प लेके और आगे मज़ीद मूव करेंगे ताकि आगे जाके हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये अभी रुझान से थोड़ा सा आगे आए हैं तो यहाँ ज़्यादा लोग थे और हमें बताया गया था यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये सब लोग इधर हैं जो कि तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। गाड़ी के साथ खड़ी है, बहुत मुश्किल है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना। जी सीन ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं और तकरीबन हम आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हम यहीं हैं और लोग हमें खोलने भी नहीं दे रहे टैंक, क्योंकि वो एकदम से सब लोग आ जाते हैं और हम अभी तक काफ़ी रहेंगे ये टैंक ट्रैक खोल सकें और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये जी दोस्त मजारी का पेट्रोल पंप है और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं और लोग ऐसे थे कि लोगों ने हमें अभी तक इस ट्रक को खोलने भी नहीं दिया और इतने बेहंगम माहौल है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम नई जगह पे जाएंगे और किसी और जगह जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या सीन है सलमान भैया? सीन ये है कि हम लोगों ने जो रियल ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ढूंढते ढूंढते हम लोग काफ़ी आगे चले गए थे और एक हमने जगह ढूंढी जहाँ पे आर्मी भी थी और रेंजर्स भी थे। सही है, तो रेंजर्स की सपोर्ट में हम लोग ये चाह रहे थे कि रेंजर्स की मौजूदगी में हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पहले तो जब लोगों की क्योंकि धूम बहुत ज़्यादा था और लोग थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आना शुरू हुए हैं करीब और इतना ज़्यादा जमघटा इकट्ठा हो गया था, उसके बाद फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन ये बचा कि हम लोग वहाँ से एज इट इज़ हमने ट्रक अनलॉक नहीं किया था, यहाँ से लॉक ही था बैक साइड से, हमने ट्रक वापस उठाया और हम लोग निकल आए। अब हम पीछे अभी बताया हुआ पीछे पूरी एक टीम है जो कि हमारे पीछे लगी हुई है, बाइक से लोग आए हुए हैं, लोगों को भाई इतनी शदीद परेशानी है और जो उनके चेहरे पर नजर आ रहा था ना यार, वो कोई इस तरह वाला सीन नहीं है, वो वाकई भूख ही थी तो उनको इस तरह करने पे मजबूर कर रही थी। लास्ट वाले सीन के बाद फाइनली हम लोग जो है ये रेस्क्यू 1122 का एक इन्होंने अपना स्टेशन टाइप बनाया हुआ है और यहाँ पे हम लोग आके रुके हैं, तो हमारी जान थोड़ी सी छूटी है, अदरवाइज़ हम लोग पिछले ट्रंक के अंदर बंद थे चार बंदे, ये इनको भगा रहे हैं जो लोग ये लोग खड़े हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा सिक्योर फील कर रहे हैं, अदरवाइज़ लोग पीछे लटके हुए थे और ऐसा ऐसा कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह अंदर एंटर हो जाए, हमने दरवाज़ा पकड़ा हुआ था और रोड जो है वो काफ़ी अनइवन था, तो इट वाज अ हेल डिफ़िकल्ट थिंग। अब सीन ये बनाया है कि यहाँ से हम लोग ये छोटी तीन चार गाड़ियाँ जो हैं वो लोड करेंगे और लोड करके फिर आगे जा के जिस एरिया से हम वापस आए हैं, क्योंकि वो वहाँ पे नीडी लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं जो रोड साइड्स के ऊपर, हमें आइडिया हो रहा है कि उनके जानवर भी बंधे हुए हैं तो वो डेफिनेटली वहीं के लोकल्स हैं, तो उनको ले जा के ये गाड़ियों में थोड़ा थोड़ा करके लोड करके जाएंगे। काफ़ी सारे चक्कर लगेंगे लेकिन एक यही ऑप्शन बचता है, अगर ट्रक लेके जाते हैं तो फिर
हम अपनी जान भी बड़ी मुश्किल से बचा के वापस आए हैं। तो अब ये ऐसा है कि अब हम सामान अनलोड कर रहे हैं और ये सामान हम छोटी छोटी गाड़ियों में इसको लोड करके और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। जैसे टेंट भी पड़े हैं इसमें, बाकी सामान भी है, साथ साथ पानी भी आ रहा है, साथ ही नीचे टेंट्स पड़े हैं। ये रोजान का इलाका है और अभी हमारे साथ डॉक्टर इमरान साहब हैं। उन्होंने हमें बताया है कि ये इस तरफ दूसरी तरफ जो कच्चा का इलाका भी मशहूर है राजनपुर का, और जो कि छोटू गैंग के हवाले से मशहूर था। और अभी आप देख सकते हैं दोनों तरफ पानी की सूरत हाल। अभी हम आगे जा रहे हैं, चीज़ें हमारे पास हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे साथ कुमार भाई पेशावर से आए हुए हैं स्पेशली बहुत सारा सामान लेकर। सारा सामान हमारा आप देख सकते हैं। देखें दोनों तरफ पानी है और बहुत बुरे हालात हैं ये देख सकते हैं। और हमारे वॉलंटियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। अच्छा करीब नहीं आना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। देख लें ऐसा है कि कुछ मैक्सिमम लोग आप कोशिश कर रहे हैं कि आगे तक पहुंचा करें। रुके हैं ऐसे, हाँ आप गाड़ी पे बैठे नहीं, आप थोड़ा थोड़ा चलते हैं। आप अपने अपने टेंट में जाएंगे, सबको मिलेगा, इधर ना आइएगा। जो आपका काम, जो आपका टेंट है वहाँ जाएं, टेंट में जाएं अपने, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। अपने टेंट में जाएंगे तो मिलेगा, अपने अपने टेंट में जाएं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, अपने टेंट में जाएं, अपने टेंट में बेटा, अपने टेंट में, अपने टेंट में, ऐसे नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। तो जी अभी हम सारी जो हमारी एक्टिविटी थी वो कंप्लीट तकरीबन हो चुकी है और ये सब लोग वॉलंटियर्स हमारे नुमान भाई ऑल द वे फ्रॉम पेशावर आए हैं यहाँ। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हुई है इधर आके, लेकिन लोगों का रवैया ठीक नहीं था। हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। वो कहते हैं ना भूख तहजीब के आदाब, बस ठीक है। अब पैनिक सिचुएशन थी, इसमें इसी तरह ही हो सकते हैं और कुछ हो नहीं सकते। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए था जो कि नहीं थी। नहीं वो बिल्कुल कर जी। सलमान साहब बस यार हम अपने एंड का जो है वो कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला कबूल करे। और ये है कि ये वाली साइड जो है अब हमारे नज़दीक बाकी टीम काफ़ी सारी यहाँ पे आ रही हैं। अगर और टीम पे आने का कबूल है तो कोई और साइड देखें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी टीम्स हैं वो बस कह रही हैं। तो ये हमारे सारे लोग हैं ये टीम, इनके भी कमेंट देंगे, वॉलंटियर हैं यहाँ के लोग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी बड़ी मेहरबानी, आप लोग जिन से आए हैं हमारे इलाके की खिदमत की, आप लोगों ने, आपको बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपका इसको अजर देगा। हेलो, थैंक यू सो मच।